and memorable words. That words are really beautiful and emotional. Now, I would like to take the opportunity to invite the one who has consumed himself to change the society and light the darkness in the life of every children, to give direction to every student and teacher in the school. सुना है उसको सुखन के असूल आते हैं, सुना है उसको सुखन के असूल आते हैं, करे कलाम तो बातों से भूल आते हैं। सुना है उसके आने से रौनक ऐसी है, सुना है उसके आने से रौनक ऐसी है, बुखार भी हो तो बच्चे स्कूल आते हैं। It's my pleasure to introduce our esteemed director who will be delivering beautiful words today. We all are fortunate to have him as our great leader. उसको इससे क्या गर सुबह है या शाम है, उसको इससे क्या गर सुबह है या शाम है, खिदमत अहले अलेक्सर हर वक्त उसका काम है। प्लीज जॉइन मी इन वेलकमिंग अवर वर्थी डायरेक्टर टू द स्टेज। क्लैप फॉर हिम। Thank you very much. Be seated. Bismillahir Rahmanir Rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. Good evening everybody. I enjoyed a lot today. Let me express my feelings. First of all, I would like to thank all the team members of Anisa campus, those who gave opportunity to the students, and they selected the students right man for the right job, and they have done their best. तमाम उन students को जिन्होंने आज इस stage पर perform किया है और इतनी जबरदस्त preparation, ऐसे लगता है जैसे महीनों इनकी preparation हुई है और आज अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने एज अ होस्ट क्लास उस 10th क्लास को फेयरवेल अपने अंदाज से देने की कोशिश की है। आई होप कि आप सब जो हमारे न्यू 10th के स्टूडेंट्स हैं, जो इन्होंने कोशिश की है, तमाम वो जो सीनियर्स हैं वो अप्रिशिएट करेंगी और याद रखेंगी उनकी एफर्ट्स को। थैंक यू वेरी मच जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक माई वाइफ, principal of your campus, ma'am Busha Umair. Under her leadership, every teacher is performing here. Team heads, Sir Zubair Asam from boys branch, principal of Al-Hudaybiyah campus, Miss Ikra Javed, principal of Al-Nisa campus, branch head Miss Uzma Ali, head of Nisa campus, Miss Shazia Muzaffar, head of Al-Quba campus, Miss Imrozia Nadeem, head of preschool, and especially my sister also, head of Al-Sinai campus, Miss Sarkis Shahzad. Assalamu alaikum. Look at this, this is a farewell, and we are here to celebrate a one night with all our seniors, with all the teachers and the heads, even the director and the principals also. ये जो farewell parties होती हैं, इनमें जो performances होती हैं, सिर्फ उसका मकसद हमारा अपने बच्चों को एक stage provide करना है, ताकि वो अपनी performance studies के साथ साथ on stage भी अपने confidence को enhance कर सके। इसका मतलब ये सिर्फ entertainment नहीं है, इसमें कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। जितने बच्चों ने आज स्टेज पे परफॉर्म किया है,
अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपनी तरफ से बेस्ट ही परफॉर्म किया है और अल्हम्दुलिल्लाह उनके टीचर्स ने उनको जो प्रॉपर गाइड किया, मैं उन तमाम टीचर्स का नाम नहीं ले सकता क्योंकि नंबर ऑफ लिस्ट है, तमाम वो टीचर्स जिन्होंने इनको प्रिपेयर करवाया, इनको अपॉर्चुनिटीज दी, गाइड किया, आज उन्होंने मैक्सिमम अपना डिलीवर किया है। उन तमाम स्टाफ मेंबर्स को, निसा कैंपस को भी मैं इस खूबसूरत फंक्शन की मुबारकबाद पेश करूंगा। डियर स्टूडेंट्स, एज अ डायरेक्टर और टीम हेड ऑफ योर स्कूल, यस्टरडे दैट वाज अ बॉयज फेयरवेल पार्टी एंड I addressed to the audience and the boys also, and I expressed my feelings. Same, you are my daughters, and this is a very tough time to say goodbye to those who were from the very start of the education life, just like my daughter who was addressing in front of you. इसने जो अबीर ने क्लास स्टार्ट की है वो इसी स्कूल से की है। इसका मतलब ये हुआ कि वो बच्चे जो आज पास आउट हो रहे हैं स्कूल से, उन्होंने अपने स्कूल का कैरियर, अपनी एजुकेशनल जो कैरियर स्टार्ट इसी स्कूल से लिया होगा। तो मैं उन बच्चों को स्पेशली जिन्होंने तकरीबन, अब आपको पता है कि 21 मई हमारा राइजिंग डे होता है और वो जो डे है हमारा वो हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल, क्योंकि उस दिन हमने स्कूल को एस्टेब्लिश किया था, बनाया था और वो हमारा समझ लें कि राइजिंग डे है। तो उस वजह से इस साल हमारा ये 14th राइजिंग डे, इसका मतलब ये हुआ कि 14 इयर्स बच्चों के कंप्लीट हो गए और वो बच्चे जिन्होंने स्कूल में ज्वाइन किया और आज वो पास आउट हो रहे हैं, तो वो इसी पैटर्न और स्टाइल से पास आउट हुए होंगे और उन्होंने भी इतने ही 12-13 साल तो जाहिर है इसी एजुकेशनल जो उनकी एज है उसमें गुजारे होंगे। बेटा, मैं आपको कुछ नसीहत करना चाहूँगा क्योंकि जो एलेक्सेरियन है दे आर डिफरेंट। मैं कोशिश करता हूँ कि अपने बच्चों की एक अच्छी तरबियत हो सके। एज एन एजुकेशनिस्ट मेरी एक कोशिश भी है, ख्वाब भी है कि मेरे अंडर, मेरी सुपरविजन में तमाम वो स्टूडेंट्स जो स्कूल में पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी हवाले से, इवन अपने छोटे या बड़े जो फंक्शंस हमारे इंटरनल इवेंट सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, इवन एजुकेशनल सेटअप देख लें। अब आप अपने स्कूल को कंपेयर करना चाहें तो आप कंपेयर करें, क्योंकि अब आपके पास अपॉर्चुनिटी, अब जब आप कॉलेज में जा रही हैं तो कॉलेज में डिफरेंट स्कूल्स के बच्चे होंगे, प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे भी होंगे, गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे भी होंगे, ग्रामर स्कूल्स के बच्चे भी होंगे, मदरसों के बच्चे भी आपके पास आए हुए होंगे, तो मुख्तलिफ टाइप्स के जो स्टूडेंट्स हैं आपके पास हैं, तो वहाँ आप जब आपने स्कूल की जो एजुकेशन की स्टाइल, पैटर्न, टेस्टिंग सिस्टम, अपने टीचर्स, उनकी कोचिंग गाइडेंस को जब आप रिफ्रेश करते हैं या रिवाइज करते हैं, तो आपको फील होता होगा कि हम जिस स्कूल में पढ़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो इस शाह रुकन आलम न्यू मुल्तान का नहीं, अब अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान का एक अच्छा अदारा है। हमारे बच्चों की तरबियत है, ट्रेनिंग है, क्या सिखाया जाता है, पढ़ना नहीं, पढ़ना तो सारे स्कूलों की बेटा करेक्टरिस्टिक्स है। कौन सा ऐसा स्कूल है जहाँ पढ़ाई नहीं होती होगी? हम समझते हैं पढ़ाई के साथ साथ अगर तरबियत नहीं, अगर एक स्टूडेंट की आपने करेक्टर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं की, आपने उसकी तरबियत नहीं की, तो क्या फायदा हुआ? अगर वो अपने दीन को पहचान नहीं सका आपकी सुपरविजन में, अगर वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहचान नहीं सका आपकी अपनी सुपरविजन में, तो क्या फायदा हुआ ऐसी तालीम का? किताबें पढ़ाने का तो कोई फायदा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह देखें हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारा फख्र है, जहां भी जाते हैं। मैंने कल भी बच्चों को कहा कि मैंने कोई भी ऐसा स्टूडेंट अपनी जिंदगी में, खुदा शाहिद है कि मैंने नाकाम नहीं देखा, मैंने ऐसा स्टूडेंट नहीं देखा कि जिसने अपने लाइफ में नाकामी शो की हो, या हमारा स्टूडेंट हो तो वो नाकाम हो गया हो। इसका मतलब ये है कि हमारी तरबियत, हमारे टीचर्स की जो ट्रेनिंग है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप जिस भी फील्ड में जाएंगे, इवन आप डॉक्टर्स बने अपना ख्वाब पूरा करें, अगर आपका इंजीनियर बनने का ख्वाब है वो पूरा करें, आर्मी ऑफिसर बनने का ख्वाब है वो पूरा करें,
आपकी सिविल सर्विसेज में जाने का ख्वाब है वो पूरा करें, इवन आप टीचर बनना चाहें तो आप अपना ख्वाब पूरा करें, कोई इशू नहीं है, बट जो भी फील्ड आप सिलेक्ट करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह तो वहां आप अपना बेस्ट ही प्रोड्यूस करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि आपकी तरबियत बहुत अच्छे इदारे से हुई है। इसीलिए कहते हैं जो इदारा अपने बच्चों की तरबियत करता है तो एक नस्ल बनाता है। हर साल हमारे पास आउट होने वाले स्टूडेंट जब कॉलेजेस में जाते हैं तो वो एम्बेसडर होते हैं, वो अपने कॉलेज में इस स्कूल का नाम कैरी करते हैं। उससे क्या फर्क पड़ता है कि वहां जो लोग होते हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो आपसे पूछते हैं कि बेटा आप किस स्कूल से पढ़ के हो, आपके कलीग भी पूछते हैं कि आप किस स्कूल से पढ़ के आएंगे, मार्क्स देख लें। मैं तो ये चीज आप बताता नहीं हूं कि हमारा स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशनल स्टेटस उसका क्या है, हमारा जो रिजल्ट है अल्हम्दुलिल्लाह क्या है। पहले हमारा तो ये ख्वाब ही होता था कि हमारी बोर्ड में पोजीशन हो, तब तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की बड़ी करम नवाजी है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो 9 पोजीशंस बोर्ड में ली, और इस साल आपकी जो अभी लाइबा है फ्रेंड, तो उसने 4th पोजीशन मुल्तान बोर्ड में ली है अमंग ऑल द गर्ल्स। जो अनस है, अनस मुनीर, मोहम्मद अनस मुनीर, वो उसने 2nd पोजीशन ली है अमंग ऑल बॉयज एंड गर्ल्स ओवरऑल इन मुल्तान बोर्ड। तो ये एजुकेशनल सेटअप अब हमारे लिए कोई इसकी प्रमोशन की जरूरत नहीं है। हमारा बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह उसको जब लिखित पता कितनी है, अब आप खुद देखे 10th क्लास में हमारे 2 ग्रुप्स होते हैं, उन 2 ग्रुप्स में पोजीशन ले जाना स्कूल की, क्या आप नहीं समझते हो कि ये कामयाबी है? इसको छोड़ दे, मैं इसको आप नहीं देखता, क्योंकि हमारा ये फर्ज है कि हमारे बच्चों की तालीम अच्छी हो। ये घर आप आते हो इस उम्मीद से, आपके पेरेंट्स आपका एडमिशन करते हैं इसी उम्मीद से कि आप जब अलेक्सर में जाएंगे तो एक अच्छी तरबियत गाह में जाएंगे और आपकी तरबियत अच्छी है। उस तरबियत से फायदा क्या होता है? देखें, जब आप अपनी सोसाइटी अपनी फैमिली में मूव करते हैं तो डिफरेंट लगते हैं आप, आपके एटीट्यूड से, आपकी स्पोकन से, आपके मैनर से पता लगता है कि आप किसी अच्छे इदारे से पढ़े। और जैसे कोई किसी से मिलता है तो क्या कहता है, उसको कहता है कि लगता है आप किसी अच्छी फैमिली के बच्चे हैं, मतलब आपके अदाब बोलने रिस्पेक्ट देने के अंदाज से लोग आपके पेरेंट्स को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, आपके पेरेंट्स को जो है वो मुबारकबाद दे रहे होते हैं कि आपकी बेटी देखें कितनी माशाल्लाह अच्छी है और आपका बेटा देखें कितना अच्छा है। तो ये औलाद की जो एफर्ट्स हैं, औलाद की एफर्ट्स माँ बाप के लिए एक जो है ना वो बायसे रहमत भी होती हैं और जाहिर है उनके लिए शुक्र भी अदा करते हैं अल्लाह ताला का कि इतनी अच्छी बेटी दी, इतना अच्छा बेटा दिया। तो मैं अपने स्टूडेंट्स के हवाले से बड़ा खुश नसीब हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अल्लाह ताला की जात का बड़ा करम नवाजी है। मैं समझता हूँ कि मैं बड़ा खुश नसीब हूँ इस सेंस कि मुझे बहुत अच्छी टीम मिली। मैंने कल भी बताया कि मेरी टीम अल-हुदैबिया कैंपस की जो टीम है अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे कभी भी लेट डाउन नहीं किया, और मेरी जो निसा कैंपस की टीम है, तमाम टीम के अलावा जाहिर आज फंक्शन हमारा फोकस्ड है निसा कैंपस उसके स्टूडेंट्स और टीचर्स का, तो मैं इसलिए उनसे ज़्यादा डायरेक्ट बात इसलिए कर रहा हूँ कि उन्होंने भी कम अज़ कम देखें कभी मुझे एजुकेशन सेटअप पढ़ाई इसके अलावा भी देख लें आप अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप ये देखो आज इनकी परफॉर्मेंसेस को देखें, स्किट्स की शक्ल में देखें उनकी परफॉर्मेंसेस, डांस की शक्ल में देखें, सॉन्ग्स की शक्ल में देखें, दुआ की शक्ल में देखें, गेम्स की शक्ल में देखें। तो मैं ये समझता हूँ कि जो टीचर्स हैं वो ही बेहतरीन मतलब समझ लें कि पर्सन ऐसे ऐसे होते हैं कि वो तरबियत करते हैं इंसान की और हम इस मुकाम पर पहुँचते हैं। मैं जब इस मुकाम पर बैठा हूँ और मैं आपसे अगर बोल रहा हूँ तो मेरे ये टीचर्स की अल्हम्दुलिल्लाह एफर्ट्स हैं जो आज हमारे काम आ रही है। हमारे स्कूल एफजी स्कूल में मैं पढ़ता था और वहाँ के जो टीचर्स और उनकी एक्टिविटीज सारी, मैं कोशिश करता हूँ कि इस स्कूल में भी ऐसी एक्टिविटीज साथ साथ होती रहे ताकि बच्चों के कॉन्फिडेंस को जो है वो हम इम्प्रूव कर सकें। लास्टली बेटा, मैं उन तमाम स्टूडेंट्स का जो आज इनका लास्ट डे है स्कूल में, उनको दुआ दूंगा, आप हमारे लिए दुआ करें। और वो तमाम जो 9th क्लास की स्टूडेंट्स आई हैं एज अ गेस्ट, पेड गेस्ट, और आज उन्होंने देखा कि किस तरह हमारे सीनियर्स जो हैं वो अपने सीनियर्स को किस तरह अलविदा कहते हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जब वो आएंगे 10th क्लास में तो फिर वो जो है इन
जो 10th क्लास हमारी है ये जब पास आउट हो रहे होंगे तो ये फिर उनको फेयरवेल देंगे, तो ताकि इनकी तरबियत भी हो जाए और इनके लिए आसान हो जाए किसी भी फंक्शन को ऑर्गेनाइज करना। छोटे मोटे फंक्शन ऑर्गेनाइज करते रहा करें घरों में भी, बर्थडे पार्टीज, वैसे कोई डिनर, कोई लंच, ताकि उससे ना बता एक बड़ा जबरदस्त किस्म की ट्रेनिंग होती है, उसकी तरबियत होती है। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी कभी कभार आउटिंग करनी, कभी कभार आपने उनके साथ प्लान कर लिया, ताकि वो एक चीज जो कॉन्फिडेंस भी आता है साथ मूवमेंट में भी आता है। मैं अब देखो मूवमेंट क्या है कि हम ट्रिप लेके गए, हर साल हम ट्रिप लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं ट्रिप? एक रिक्रिएशनल ट्रिप होता है जब हम एक दिन जाते हैं, हर साल हम बच्चों को लेके जाते हैं, उनके असाज़ा टीचर्स साथ जाते हैं, हम लोग साथ जाते हैं, विद फैमिली हम लोग जाते हैं हर साल। हमने कोई ऐसा ट्रिप अल्हम्दुलिल्लाह मिस नहीं किया आपके साथ। और ये तो खुश नसीब क्लास है मेरी जो 10th है, लास्ट जो बॉयज थे हमारे, तो ये तो हमारे साथ बड़ी ट्रिप पे बेटियां गई हैं, इतना इन्होंने एंजॉय किया, इतना इन्होंने एंजॉय किया है। और ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि जाहिर है सर के साथ हम ट्रिप जा रहे हैं और सर को पता नहीं क्या एक फियर होता है, डायरेक्टर का एक बड़ा रोब और प्रेशर होता है, तो ये शायद अंदर से अपने खौफजदा भी होंगे कि अब उधर जाएंगे तो पता नहीं उधर भी परेड शुरू हो जाए, फौजी परेड, उधर ही सारे मामला जो है इस तरह सख्ती शुरू हो जाए, हम कैसे वहाँ इंजॉय करेंगे, कैसे वहाँ हम तो मरी जा रहे हैं ट्रिप के लिए और इंजॉयमेंट के लिए। तो सर मगर अल्हम्दुलिल्लाह देखें ये इनसे आप पूछें, इनको हमने बड़ा इंजॉय कराया, इनको हर जगह फिराई हमने, पैदल वॉक कराए, ट्रैक्स पे दौड़ाए हमने, हर जगह कोशिश की इनको चला के और बता दो ताकि इनको पता लगे, और हम इनके साथ खाते रहे हैं, चलते रहे हैं, खाते पीते रहे, एंजॉय करते रहे। और मेरा ख्याल है कि इनमें जो इतना कॉन्फिडेंस आ गया होगा जो मरी के अलावा गए उनमें नहीं उतना होगा, क्योंकि इनमें इधर गैप कम हो गया ना। और ये मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था, अलेक्सा की हिस्ट्री का ये फर्स्ट बैच है, गर्ल्स का लास्ट जो बॉयज का था कि जो मरी ट्रिप पर हम गए। और हम कोशिश करेंगे कि आप इंशाल्लाह हर साल कोशिश करेंगे 10th क्लास के बच्चों के साथ मरी का ट्रिप तो कम से कम हो, नहीं तो नॉर्दर्न एरियाज आगे जाएंगे सवात वगैरह वाली साइड पर इंशाल्लाह। और इसको एक यादगार ट्रिप बनाएंगे। दूसरा बेटा ये देखिए, मैं समझता हूँ कि क्लास डे भी एक स्किप में बच्चा कह रहा था कि जी कॉलेज बनाने के लिए, तो इंशाल्लाह हमारा ये ख्वाब है, दुआ करें आप लोग बेटियाँ हैं, मैं अपनी बेटियों से दुआ करवाता हूँ, अपनी मदर से तो मैं दुआ करवाते ही करवाता हूँ, फादर ज़्यादा नहीं है दुनिया में, अगर उनको जनरल सीट करे उनसे भी दुआ करवाता था, तो मैं अपनी बेटियों से भी दुआ कराता था। आप लोग मेरी बेटियाँ हैं, आप लोग दुआ करें, चले आपके टाइम पर जो कॉलेज नहीं बन सका तो आने वाले बच्चों के लिए कम अज कम गर्ल्स कॉलेज तो बन जाए, ताकि बच्चियों के लिए वो इन्वायरमेंट जो उनको सूट करता है, हमारी सोसाइटी को जो सूट करता है वो इन्वायरमेंट अलेक्सा की मैनेजमेंट उनको दे सके। हम कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह विद इन द इयर्स आप देखेंगे कि हम अनाउंस करेंगे इंशाल्लाह अलेक्सा कॉलेज का भी, आप दुआ करें। बाकी जी लास्टली मैं तमाम गेस्ट को भी जो है वो आज जो फंक्शन हुआ उसकी जो वो आए उनको यहाँ हमने एज अ गेस्ट बुलवाया, वो आए हैं, बड़ी मेहरबानी उनकी। और आप सब टीचर्स जो जिन्होंने एफर्ट्स किए बेटा, और कहते हैं कि जब एक फंक्शन कंप्लीट हो जाए तो फिर थकावट दूर हो जाती है, और साथ अगर उसको कोई अप्रिशिएट करने वाला हो तो सारे थकावट दूर हो जाती है। तो मैं आपका हेड होने की हैसियत से आपका भाई भी हूँ, और आपने मेरा मान रखा, आज आपने इतनी प्यारी कंपेयरिंग थी, मैंने कल अप्रिशिएट किया बॉयज की कंपेयरिंग के साथ और इतनी जबरदस्त कंपेयरिंग थी, मुझे बड़ा मजा आया कल भी कंपेयरिंग और आज भी कंपेयरिंग सुन के। और जो परफॉर्मेंस वो इस बच्ची की थी, अब मुझे उसका नाम नहीं याद, वो जो अम्मा जी बनी हुई थी उसने जो परफॉर्म किया माशाल्लाह, क्या नाम है, सवेरा 10th की स्टूडेंट है, 9th की है, बड़ा प्यारा माशाल्लाह आपने किया बेटा, नकल आपको जो है और कामयाब करे, ऐसे ही अपनी ज़िंदगी में आपने मैक्सिमम पे जाना है। मैं कहता हूँ कि बंदा किसी भी फील्ड में हो नाकाम नहीं होना चाहिए, अगर आप सिपाही भर्ती हुए ना तो आप ऑनरी कैप्टन तक जाएं, अगर आप ऑनरी लेफ्टिनेंट भर्ती हुए हैं तो फिर आप जनरल तक जाएं, ये नाकामी होती है मेजर में रिटायर हो जाना, कर्नल में रिटायर हो जाना। आप अगर अपने फील्ड में आए हैं तो इस पर मैक्सिमम में जाना, आप ये कोशिश करनी है कि जो भी फील्ड आपकी है, अगर आप टीचर बने हैं तो फिर टीचर्स का मैक्सिमम लेवल तक जाना है, अगर आप डॉक्टर बने हैं तो डॉक्टर सिंपल MBBS नहीं करना, सर्जन बने और बेहतरीन किस्म का डॉक्टर बनना है, अगर इंजीनियर है तो बेहतरीन किस्म का इंजीनियर बनना है,
ये एक बंदे के लिए जो है ना वो कीमती चीज होती है। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बर्दाश्त किया और आज ज़ारा ये मौका था थोड़ी सी आपके साथ शेयर करने का बातें। इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी बेटा आपसे, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। इंशाल्लाह वो बच्चियां जो अब पास आउट हो रही हैं हमारे लिए दुआ करेंगी, हम भी आपके लिए दुआ करें। बहुत मेहरबानी आपका, थैंक यू।